तो दोस्तों सीएससी ने जो सर्टिफिकेट दिए हैं, जो जनगणना जनगणना वाले जो सर्टिफिकेट एंड सुपरवाइजर को एंड एनरोलमेंटर को जो सर्टिफिकेट दिया, वो सर्टिफिकेट एकदम गलत, जो सीएससी से हुई एक बहुत बड़ी मिस्टेक, जो आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो एकदम रॉन्ग है। दोस्तों मैं बताने वाला किस तरह से ये रॉन्ग है, किस तरह से फ्रॉड है, तो आपको बताने वाला हूँ जो सीएससी से हुई एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो चलिए दोस्तों बने, तो सबसे पहले क्या करना, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके पास इस बेल आइकन को भी दबाइए। तो दोस्तों आज से क्या सीएससी ने जो एनरोलमेंट सुपरवाइजर के जो आर्थिक जनगणना इकोनॉमिक सेंसर जनगणना वाले जो सर्टिफिकेट है वो स्टार्ट कर दिए गए, लेकिन सीएससी से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। वो क्या मिस्टेक हुई आपको बताने वाला, तो दोस्तों बने रहे, मैं YouTube चैनल पे वीडियो स्टार्ट करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें क्या मिस्टेक हुई है क्या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करता है दोस्तों, जो मेरे पास ये तीन सर्टिफिकेट है, एक तो नरेंद्र कुमार नाइक के, और दो सर्टिफिकेट जो अलग है तो मैं बताता हूँ, राजवीर मोहनलाल, और एक सर्टिफिकेट है जो विक्रम सिंह सुमेर सिंह। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ दोस्तों, सबसे पहले इन्हें ही देख ले, तो मैं विक्रम सिंह सुमेर सिंह हूँ, तो सबसे पहले क्या करता हूँ दोस्तों मैं, तो इन्हें देख, तो दोस्तों यहाँ पे जो बार कोड दिए गए, तो इसको स्कैन करने से पता चलता है क्या मिस्टेक है क्या नहीं। तो चलिए दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ अपना जो मोबाइल, और आपको स्कैनर डाउनलोड करके इसको स्कैन करके बताता हूँ। डाउनलोड करने पर दोस्तों मेरे पास क्या है, एमआई का जो मोबाइल है, तो मोबाइल एमआई के मोबाइल ऑलरेडी दिया होता है स्कैनर, तो स्कैनर पे मैं क्लिक करता हूँ और अपना जो पीसी है पीसी पे इसको लेके चलता हूँ। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो स्कैनर जो क्यूआर कोड दिया गया, उस क्यूआर कोड को क्या करना है, यहाँ पे स्कैन करना है। तो दोस्तों मैं इसको स्कैन करता हूँ, क्यूआर कोड को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि ये, तो चलिए क्यूआर कोड स्कैन हो गया। तो जैसे स्कैन होता है दोस्तों यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल ओपन हो जाती है डायरेक्टली, तो इसमें पता चलता है यहाँ पे जो दिया गया विक्रम सिंह सुमेर सिंह जिसका मैंने स्कैन किया, तो यहाँ पे दोस्तों तब पे मैंने विक्रम सिंह सुमेर सिंह को स्कैन किया, तो यहाँ पे ये किसी का और का ही यहाँ पे बता रहा है सी एस आई टी, ये तो सी एस सी अकेडमी द्वारा बताया जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों ये किसका है, शिल्पा पुंदर, रामचंद्र पुंदर, यहाँ पे हरिद्वार उत्तराखंड, तो यहाँ पे सी एस सी अकेडमी। तो दोस्तों ये एक ही नहीं, सभी सर्टिफिकेट में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए दोस्तों मैं दोस्तों दूसरा स्कैन कर लेता हूँ। अभी दोस्तों दूसरा स्कैन करने के लिए क्या होता है, हमें नरेंद्र कुमार नाई पे चलते हैं और उनके क्या करते हैं, क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं। तो अभी जैसे हम क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा पॉपअप ओपन बन जाता है। तो यहाँ पे वही दोस्तों, यहाँ पे सर्टिफिकेट एंड कंप्लीट का, यहाँ पे जो सर्टिफिकेट सॉरी कंप्यूटर्स का, तो ये सी एस सी अकेडमी का यहाँ पे ही डाउनलोड हो रहा है। तो दोस्तों उनका भी करके देखा। चलिए दोस्तों अभी दूसरा हम क्या कर लेते हैं, ये विक्रम सिंह का हो गया, तो यहाँ पे एक बार मेरे पास और है जो राजवीर, तो चलिए दोस्तों राजवीर का हम कर लेते हैं। तो इसको क्लोज करते हैं, फिर से स्कैन करते हैं। दोस्तों आपको बता देता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों सी एस सी अकेडमी, यहाँ पे आपको नाम बता देता हूँ राजकुमार, फिर यहाँ पे क्यूआर कोड को जैसे हम स्कैन करते हैं इसको, क्योंकि दोस्तों स्कैनर में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। जैसे दोस्तों यहाँ पे क्यूआर कोड स्कैन हो जाता है, तो यहाँ पे वही सेम प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ रही है, क्योंकि दोस्तों आपका जो सर्टिफिकेट है एकदम रॉन्ग है। तो दोस्तों इसका कोई मतलब नहीं है, सीएससी द्वारा ये बहुत बड़ी गलती की गई है, क्योंकि दोस्तों सीएससी क्या करती है, यहाँ पे जो आप दिख रहे हैं तो सर्टिफिकेट तो यहाँ बना दिया, लेकिन यहाँ पे जो नाम वही चेंज करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे जो ये क्यूआर कोड दिया गया, ये क्यूआर कोड जहाँ पे जो एचडीएमआई फाइल्स होती है उसको क्या करता है, यहाँ पे जो आपके डाटा हो यहाँ पे स्टोर किया जाता है, ये क्यूआर कोड अलग लगाया जाता है। तो यहाँ पे क्या करता है सीएससी से बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, तो सीएससी ने क्या किया, इसी क्यूआर कोड को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो सभी को ये दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। दोस्तों इस तरह का वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।